अस्सलाम वालेकुम। गार्डन गैलरिया बैरवाना में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदेद। अपनी पिछली एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम सक्यूलेंट्स को किस तरीके से प्रोपेगेट करने रख सकते हैं या किस तरीके से प्रोपेगेट कर सकते हैं, तो ये वीडियो भी उसी की कंटिन्यूशन ही है। जो लीफ मैंने आप लोगों के सामने रखे थे प्रोपेगेट होने के लिए, वो तकरीबन अच्छे प्रोपेगेट हो चुके हैं और अब मैं आपके सामने उनको कैसे लगाना है, कैसे मदर लीफ से अलग करना है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। तक अगर मैं कहूँ कि 100 में से 100% मुझे रिज़ल्ट मिला है तो ये गलत नहीं होगा। आप देख रहे हैं कुछ लीफ के ऊपर प्लांट्स बने हुए हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट हैं, और कुछ के साथ सिर्फ रूट्स डेवलप हुई हैं और उनके ऊपर प्लांट नहीं बना। तो हम उनको साइड पे कर देंगे और सिर्फ उन्हीं लीव्स को उठाएंगे जिनके ऊपर प्रॉपर प्लांट बना हो। इनकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं तो उनकी रूट प्रूनिंग भी मैं करूँगी, क्योंकि सक्यूलेंट की रूट्स जितनी छोटी हों ऊपर प्लांट उतना ज़्यादा हेल्दी रहता है। क्योंकि ये सारे छोटे छोटे पॉप्स हैं तो मैं इनको छोटे से ही पॉट में लगाऊंगी। पॉट में पहले आधा इंच तक मैं ये कंकर डाल दूंगी, ग्रेवल्स हैं इसके साथ, ताकि ड्रेनेज अच्छी रहे। और फिर उसके ऊपर जो हमारा सक्यूलेंट मिक्स है वो मैं फिल करके, और इसी तरह फिर जो बाकी के हमारे पॉप्स हैं उनको मैं अब मदर प्लांट लीव से अलग करके इसमें लगा दूँगी। बिल्कुल दो नाखनों के बीच में आपने लीफ के एज पे रख के वहाँ से पिंच कर देना है। बस ये ध्यान रहे कि आपका जो ऊपर प्लांट बना है वो डैमेज ना हो। अब ये देखें, मदर प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसके कॉर्नर पे कितने खूबसूरत तरीके से पप्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। ऊपर प्लांट भी बन चुका है और नीचे रूट्स भी बन चुकी हैं। एज़ ऑलवेज मैं पानी रखना भूल गई थी अपने पास, तो मेरे पास जो वाटर प्लांट पड़ा हुआ था मैं उन्हीं में इन पप्स को वॉश करूँगी। वॉश करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा गीली होंगी और मड में लिपटी हुई होंगी, क्योंकि आपने देखा कि उस प्लेट में मड बना हुआ था, तो वो रूट्स को डैमेज कर सकता है और मेरा सक्यूलेंट इसमें रॉट हो सकता है। तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके उसके बाद मैंने इन्हें ड्राई करने रख दिया। ड्राई करने के बाद मदर प्लांट से पप को अलग मैंने दो नाखनों के बीच में, दो नेल्स के बीच में प्लांट को रखा और उसको हल्के से पिंच कर दिया और वो मदर प्लांट बिल्कुल अलग हो गया। अब ये देखें, इसका मदर प्लांट जो लीफ है वो खुद ब खुद ख़त्म हो चुका है। इस प्लांट को आप देखें तो इसकी हेल्थ भी अच्छी है और ये अपनी मदर प्लांट से पूरी न्यूट्रिशन ले चुका है। वन बाय वन करके जितने मेरे पप्स हैं ये सक्यूलेंट के, इनको मैं अच्छे तरीके से वॉश करके, और लाजमी आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि इनको वॉश करने के बाद आपने कुछ देर रख देना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है इन लीव्स के बीच में या इन रूट्स के साथ, तो वो ड्राई हो जाए। इन पप्स को अभी आप देख रहे हैं कि इनके मदर प्लांट्स हेल्दी हैं, अभी इनके साथ लगे रहने दिया जा सकता था, लेकिन अब चूंकि इनकी रूट्स भी डेवलप हो गई हैं और प्रॉपर ऊपर पप भी डेवलप हो चुका है, तो मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं इनको अब सॉइल में शिफ्ट कर दूं, क्योंकि ये इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि ये अपनी जो खुराक है वो मदर से लेने की बजाय ये खुद अपनी खुराक बना सकते हैं और ग्रो हो सकते हैं। पहला मैंने आपको पिंच करके बताया था नेल्स के साथ, अगर आप नेल्स के साथ पिंच नहीं कर सकते तो फिर उसको इसी तरह सीजर के साथ कट कर दीजिए। जिन सक्यूलेंट्स की या जिन पप्स की रूट्स आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो चुके हैं, उनकी रूट प्रूनिंग भी कर दीजिए और इस तरह वन बाय वन आप अपने पॉट में लगा दीजिए। अरेंजमेंट बनाने के लिए सक्यूलेंट को अगर हाइट दी जाए तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो मैंने पहले सारों को लाइन से साइड पर रखा और उनकी रूट्स जो हैं वो बिछा दी पॉट पर। फिर उसके ऊपर जो मेरा सॉइल मिक्सचर है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ से। उस सॉइल मिक्सचर को अच्छे तरीके से इन रूट्स के ऊपर फैला दीजिए।
बहुत सारे पप्स एक जगह पे लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, और मैं यही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अलग अलग बड़े पॉट्स में लगाने की बजाय अगर आप स्टार्ट में इनको इस तरीके से एक छोटी सी प्यारी सी अरेंजमेंट बना के लगा दें तो ये दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे। और सकुलेंट की एक साइंस है कि ये अगर साथ साथ जुड़े जुड़े लगे हों तो ये बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। तो यूँ देखिए मेरी ये छोटी सी पप्स की अरेंजमेंट जो है वो रेडी हो गई। अपना ख्याल रखिएगा और माहौल को साफ सुथरा रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।